हेलो स्टूडेंट, लड़े गास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अभिकर्मक या आक्रमणकारी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभिकर्मक और आक्रमणकारी क्या होते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसे हम लोग कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, कोई ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, किसी अभिकारक पर अटैक करके कोई रिएक्शन करा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं उसे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अभिकर्मक की जैसी बात आई तो हम लोग दो अभिकर्मक के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। एक है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन इस नहीं अभिकर्मक, कार्बनिक रसायन में जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है तो उसने टाइम कुछ ना कुछ आक्रमणकारी या अभिकर्मक जो कि अभिकारक पर अटैक करते हैं, जिससे अभिक्रिया आगे प्रोसीड होती है, उनके लिए हम लोगों को दो प्रकार के अभिकर्मक की जरूरत पड़ती है। एक है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, एक है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, या फिर आक्रमणकारी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों को एक पार्ट में करके बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छे से देखिएगा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नाभिक स्नेही अभिकर्मक बताता हूँ। सबसे पहले नाभिक स्नेही को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये इसका अंग्रेजी नाम हो गया। इसको संकेतिक रूप में NU- से निरूपित करेंगे। यहाँ पर मैं आइडिया बता दिया आप लोगों को कि ऐसे अभिकर्मक जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, माइनस चार्ज नहीं भी होते हुए कोई भी अभिकर्मक है जो अभिकर्मक बन जाते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है, नाम से स्पष्ट लग रहा है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो कि नाभिक को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर जो नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ तो हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज है तो ये किसी प्लस वाले केंद्र पर क्या करेगा, किसी पॉजिटिव केंद्र पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, जैसे कि कार्बोकेटायन होता है, अपने पास कार्बोकेटायन होता है, उस कार्बोकेटायन पर जैसे आक्रमण कर दिया तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहेंगे। किसी पॉजिटिव हिस्से पर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अभिकर्मक। ठीक है, और भी एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ ऋणात्मक अभिकर्मक के नाम बताया, जैसे कि आपको और बताता हूँ, जैसे कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं। कुछ मैं आपको उदासीन अभिकर्मक बताता हूँ, जैसे कि अमोनिया जल H2O, यहाँ पे आपके पास ईथर होते हैं, ईथर, ये हो गया ईथर। तो ये कुछ क्या हो गया, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है जो कि उदासीन प्रकार के होते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जनरली जो होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर लोन पेयर होते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे लोन पेयर। तो ये लोन पेयर भी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी पॉजिटिव हिस्से पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये है उदासीन अभिकर्मक। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कुछ ऐसे अभिकर्मक जिसमें पाई बंद होते हैं। पाई बंद वाले जो होते हैं पदार्थ, वो भी क्या होते हैं, अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे कि एल्कीन, ये हो गया एल्कीन, जिसमें पाई बंद जो होता है ये बहुत ही दुर्बल बंद होता है, इसको डोनेट कर देता है किसी को। इस प्रकार से क्या होता है, धनात्मक हिस्से पर ये डोनेट हो जाता है, दान किया जाता है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, अभिकर्मक बन जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक अभिकर्मक आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार एल्काइन होते हैं, जितने भी एल्काइन होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, अभिकर्मक बन जाते हैं। इसके दो दो पाई बंद होते हैं, कोई भी एक पाई बंद से क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धनावेशिक केंद्र पर आक्रमण करके दे देता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये सब नाभिक स्नेही अभिकर्मक ये सब कहलाते हैं। कुछ ऋणात्मक होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, कुछ कार्बनिक अभिकर्मक होते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या समझ में आया, कि ऐसे ऋणावेशित या उदासीन जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, या फिर ऐसे कार्बनिक जिसके पास पाई बंद हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या करता है, किसी कार्बनिक यौगिक में धनावेशित केंद्र पर क्या करता है, आक्रमण करता है, इसके प्रति क्या रखता है, आकर्षण रखता है, इसके प्रति क्या रखता है, आकर्षण रखता है। तो इस प्रकार के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो होते हैं वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि ज़्यादातर इसमें हम लोग इसको अंग्रेजी में अगर लिखा जाए
तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम लोग संकेतिक रूप में ई प्लस निरूपित करेंगे क्योंकि ई से आता है यहाँ से, ठीक है। ये नापिक इसने एनयू से आता है तो एनयू निरूपित किया जाता है, ये इसका संकेत करने का तरीका होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल है जिसके बाद धनावेश हिस्सा हो जो कि ऋण आवेश को पसंद करता हो या फिर उसके प्रति आकर्षण रखता हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो एच प्लस हो गया, एनओ प्लस हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं और होता है नाइट्रोनियम आयन, इसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ धनावेशित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस नहीं होते हैं जो कि ऋणात्मक हिस्से पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है उस पर जाके अटैक करता है, ठीक है। ये हो गया। और मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि कार्बिन, ठीक है, कार्बिन, कार्बिन के पास क्या होते हैं, टोटल छः इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो छः इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये अटैक करके दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ सकते हो कि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला इलेक्ट्रॉन इस नहीं होता है, ठीक है। और भी जैसे जितने भी लुईस क्षार होते हैं, लुईस अम्ल, सॉरी लुईस अम्ल, कुछ लुईस अम्ल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि BCl3, ठीक है। इसकी संरचना मैं समझा देता हूँ, BCl यहाँ पे तीन सी एल लग जाता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोरॉन के पास केवल छः इलेक्ट्रॉन है, अतः ये किसी पर अटैक करके दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इस प्रकार से ये लुईस अम्ल भी क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अभिकर्मक होते हैं। इधर आप जाओ तो लुईस क्षार को ले सकते हो, लुईस क्षार क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। अब लुईस क्षार वे क्षार होते हैं जिसके पास लोन पेयर होते हैं, जितने भी अमोनिया होते हैं, एमीन वगैरह आपने पढ़ा होगा, एमीन है ना, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ये सब भी क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। प्रीडीन आपने पढ़ा होगा, प्रीडीन, ठीक है। प्रीडीन मैं आगे बताता हूँ, प्रीडीन की संरचना इस प्रकार से होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं इस प्रकार से, तो ये किसी को क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, है ना, और या फिर क्या कर सकते हैं, इसको किसी के साथ दे करके अटैक कर देता है, किसके साथ, पॉजिटिव हिस्से के पास, ठीक है। इस प्रकार से ये नाभिक स्नेह अभिकर्मक कराते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कार्बन एनायन है, कार्बन एनायन, ठीक है, इस प्रकार से इस पर क्या करते हैं, ये लोग अटैक कर करके क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखने वाले स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक कहते हैं। तो सीधे से मतलब हुआ, नाभिक स्नेह अभिकर्मक वे स्पीसीज होते हैं कार्बनिक रसायन में, जो किसी कार्बनिक रसायन में आने वाले किसी अभिकारक में पॉजिटिव हिस्से पर या धनात्मक हिस्से पर, धनात्मक केंद्र पर क्या करता है, आक्रमण करता है और अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं जो किसी धनावेशित, जो कि किसी ऋण आवेशित केंद्र पर आक्रमण करके क्या करता है, वहां पे आगे अभिक्रिया को बढ़ाता है। इस प्रकार के स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक कहते हैं। इसका संकेत मैंने बता दिया है, और आप ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण फील करते हैं, आकर्षण महसूस करते हैं या फिर आकर्षण रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक होते हैं क्या होते हैं, और नाभिक स्नेह अभिकर्मक क्या होते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी इन्हीं अभिकर्मों को लेकर के मैं कुछ आपको रिएक्शन समझाऊंगा। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।